Hello, very very good morning student. So today we are going to discuss online DTSC JEE Mains. So start करते हैं DTSC 12 section ही question number first is. So question number first is the differential equation of all circles touching the x-axis at origin. Differential equation आपको find out करनी है जो x-axis को origin पे touch करती है. तो देखो first of all we write equation of all circles touching the x-axis at origin is. So let this is x-axis, this is y-axis. Question में mention है आपको कि circle touching the x-axis at origin, then circle is this part. Then we will consider center of the circle C0, A in y-axis. और रेडियस इज आल्सो r इक्वल टू a. तो सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज a, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो वी विल cx - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म. तो पुट द वैल्यू ऑफ सेंटर रेडियस, देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y minus a ka whole square equal to a square. This is x square plus y square minus 2ay and a square is cancel out. So, a arbitrary constant. So, ab kya karna hai isme? Is arbitrary constant ko remove karke we will get differential equation. So, sabse better option kya hua? Aap 2ay ko shift the right side. तो x का y स्क्वायर इक्वल टू 2ay एंड डिवाइड द y. तो x का y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू क्या गया 2 ऑफ a. अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि बोथ साइड जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा. तो अपन n / d से लेफ्ट साइड में क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन. तो n / d वन न्यूमरेटर / डिनोमिनेटर क्या है? तो लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड. तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कौन है y, y का डिफरेंशिएशन वंस अगेन y1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू v का 0 होगा. y स्क्वायर आपका 0 में चला गया. तो देन दिस इज 2xy प्लस y से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 2y स्क्वायर y1, और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के x स्क्वायर y1 माइनस के y स्क्वायर y1 इक्वल टू 0. अब देखो क्या करना है इसके बाद, 2y स्क्वायर y1 माइनस y स्क्वायर y1 इज y square y1 minus x square y1. So then y1 is common. So this is y square minus x square y1 equal to. Is 2xy to right me shift to minus k 2xy. Agar aap minus cancel out karoge to then x square minus y square minus common. Or right side me shift kiya to then minus cancel out. To ye iski kya hogi differential equation. Jiska meaning kya tha? Ki sir, equation of all circle which touch the x axis at origin. तो all circle जो x axis को क्या करते हैं origin पे touch करते हैं. तो उस केस में क्या होगा, उसका center lies on the y axis. तो center 0, और radius भी also a, क्योंकि center की जो circumference से distance है वो a होगी आपकी. तो equation of circle x minus x का whole square y minus y का whole square equal to r square value put करो. तो this is equation of circle. अब आपको पैरामीटर को क्या करना है एलिमेंट, तो उसका वेट ऑप्शन क्या है. अगर आप डायरेक्ट करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करोगे आप. और सबसे वेट ऑप्शन क्या है, जब सिंगल वेरिएबल हो तो उसको राइट में रखो, रिमेनिंग पार्ट को लेफ्ट में, और फिर कर दो डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन. तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x is, हाँ भाई, this is second option, ठीक है, x square minus y square dy dx equal to 2xy, तो इसका second option बच्चों correct होगा.
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ही। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन y equal to fx the value of this part is equal to, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार जेईई मेंस और आईआईटी में आ चुका है। देखो इसमें अपन को बेसिकली करना क्या है, आपको ये लेके आना है कि d स्क्वायर x / dy स्क्वायर इक्वल टू दिस पार्ट। तो देखो इसको ऐसे करो, आप लिख सकते हो कि बेटा dx / dy को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 / dy/dx। यस सर, आपने कंसीडर किया dx / dy इक्वल टू 1 / dy / dx, ओके। सो न्यूमरेटर में ला सकते हैं। अब इसका करो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी y या विद रिस्पेक्ट टू dy। आप देखो सुनो मेरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप लिखते हो dx / dy का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर तो क्या आएगा d का, सॉरी जब आप dy dx का क्या करते हो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर तो क्या लिखते अपन d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, बट पहले तो dy dx का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, फिर क्या करते हैं x का x के रिस्पेक्ट में इनटू में बनाता है, तो वो आप लोगों को क्या दिखता नहीं इसमें, इसमें भी सेम थिंग यूज करोगे। तो क्या करना है dx / dy, तो इसका क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि अपॉन में y है dy है, तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy, तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा d स्क्वायर x / dy स्क्वायर, y का वन होगा, तो ये आ गया बेटा d स्क्वायर x / d स्क्वायर y का वन, तो इक्वल टू 1 / x, इसको लेट x ट्रीट करोगे आप तो 1 / x का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 / x स्क्वायर, तो दिस इज माइनस के 1 / dy / dx का होल स्क्वायर। यस सर, ये तो वो 1 / x, अब x का करो तो dy / dx का, तो dy / dx का सेकंड डेरिवेटिव d2y / dx स्क्वायर, फिर x का y के रिस्पेक्ट में dx / dy, क्या आएगा dx / इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो देखते हैं करते हैं इसको, तो एक काम करें सर, क्या पूछा गया सर d स्क्वायर x / dy स्क्वायर सर, हां तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो उल्टा हो गया ना, dx / dy का क्यूब, ये आ गया dy / dx का क्यूब, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो क्या आ गया dy / dx का क्यूब इनटू d स्क्वायर x / dy स्क्वायर और इक्वल टू में आ गया माइनस के d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, तो जब इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 ऑन द पैराबोला y इक्वल टू 4x point lies outside the parabola. The length of the intercept between each tangent y the line x equal to 2 is. देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है एक पैराबोला गिवन है आपको y इसको इक्वल टू 4x. एक पॉइंट है P -1, 2 सेकंड पॉइंट में, इससे आपने इस पे टू टेंजेंट ड्रॉ की लेट, ये इस पे फर्स्ट टेंजेंट है और ये लेट इसकी सेकंड टेंजेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि टेंजेंट जो आपकी टू टेंजेंट से PA एंड PB, ये ड्रॉ करने के बाद लेंथ ऑफ द इंटरसेक्ट बिटवीन द टेंजेंट्स y की लाइन x इक्वल टू, मतलब आपको दोनों टेंजेंट के बिटवीन इंटरसेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो क्या करती है x इक्वल टू के x equal to 2 के द्वारा मेड की जाती है। काम करें जब x equal to 2 की लाइन को ड्रॉ करोगे तो वैसे होगी ना, तो इंटरसेप्ट का मीनिंग यही है आपको, ये जो लेंथ है ना इससे लेती है, ये आपको लेंथ करनी है फाइंड आउट। यस सर, तो क्या करें सिंपल, इसको अपन कुछ पॉइंट लेट कर देते हैं ln, तो इधर सुनो इस ln लाइन पे इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना, तो लेट इस l पॉइंट को लेट करो 2, y1 एंड पॉइंट m को लेट करते हैं 2, y2, तो ln की लेंथ क्या होगी y1 - y2 का डिफरेंस, अरे ये y1 है y2 तो डिफरेंस क्या गया y1 - y2 का मोड, मतलब आपको ln की लेंथ पता नहीं, दिस इज y2 - y1 कुछ भी ले तो नो प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस लेना है क्योंकि जो ये लेंथ है
ये वाई को लेंथ है, y2 का डिफरेंस क्या है, y2 - y1 कम हो। तो अब देखो इसको कैसे करना बेटर है, काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं करने के, कि आप पहले दोनों लाइन फाइंड आउट करो, x = 2 से पुट करो तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो सिंपल ऑप्शन है इसका। क्या कर सकते हो आप, सीधा SS1 = t square लिखें और उसमें सिंपल x को 2 पुट कर दो, तो देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इन y, y में क्वाड्रेटिक बनने के बाद उसके 2 रूट होंगे, लेट y1 y2, तो रूट्स का डिफरेंस ही तो है y1 - y2 का होल, तो रूट्स के डिफरेंस का फार्मूला सीधा रूट d अपन ही अप्लाई कर सकते हो, एक तो मेथड ये, बट इसमें SS1 = t square को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कर सकते हैं क्योंकि x को 2 पुट करने के बाद काफी सिंपल हो सकता है, ठीक है ना, एक ऑप्शन तो ये। अगला ऑप्शन क्या है मेरे अकॉर्डिंग, आप क्या करो टेंजेंट लेट करो, कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a y इक्वल टू mx + c, ये आपने टेंजेंट लेट की, और ये टेंजेंट अगर इस पैराबोला को टच करता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू ay, तो c को लिख सकते हैं अपन a अपॉन m, ये a तो इसमें 1 है और m इज m, और a को 1 लेने पे चलो इसको 1 पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा y equal to mx plus 1 by m, दिस आने के बाद देखो क्या ऑप्शन है इसको करने का, सिंपल ये जो टेंजेंट है आपकी इट पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस के 1 2, इसको आप बेटा माइनस 1 को 1 2 से पास करा सकते हो, तो y को 2 लोगे तो कितना आ गया 2 equal to minus k m plus k 1 by m, तो जब इस m से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी m a क्वाड्रेटिक होगी, और इसे m स्क्वायर माइनस उधर ले आओ प्लस k 2m माइनस k 1 इक्वल टू 0, ये m a क्वाड्रेटिक इसके 2 रूट होंगे लेट m1 एंड m2, क्योंकि ये टू लाइंस है PAP में तो 2 सोर्स होंगे लेट m1 एंड m2। अब आपको लेट क्या करना है इसके बाद, अब थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए तो सिंपल ऑप्शन क्या है, पॉइंट ये जो पॉइंट l है 2 कॉमा y मतलब लाइन ऑन दी लाइन, ये लाइन कौन सी है, ये y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m क्या है, ये आपकी लाइन है और ये लाइन ये भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल लाइन है, तो एक बार तो क्या करो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट पुट कर दो, तो जब इसमें फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे तो क्या आ गया y1 इक्वल टू x को तो 2 लेना है, ये आ गया 2m प्लस 1 बाय m, क्या आ गया 2m प्लस 1 बाय m, और m का मतलब m1 लेना पड़ता है क्योंकि स्लोप उसका m1 होगा, सही से मेरी बात को केयरफुली देखें, ये लाइन लेट y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m, और लेट इसका स्लोप अगर m1 है तो लाइन इज y इक्वल टू m1 x प्लस 1 बाय m1, यस सर, तो ये आ गया। सिमिलरली सेकंड में पुट क्या आएगा, y इक्वल टू अगेन 2m2 प्लस 1 बाय m2, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, फर्स्ट का स्लोप m1 है तो y इक्वल टू m1 x प्लस 1 बाय m2, सिमिलरली सेकंड y इक्वल टू m2 प्लस 1 बाय m2, आपने एक बार ये पॉइंट पुट किया दिस आ गया, आपको बताना क्या है y2 माइनस m2 का मतलब, जिनका डिफरेंस ले ले अपन, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो देन वी विल गेट y2 माइनस y1 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस किया तो 2 कॉमन, ये आ गया m2 माइनस m1, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1। अब देखो उसको थोड़ा केयरफुली अपन सॉल्व करते हैं, तो वैसे मेरे ऊपर डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम यहीं हो जाएगा, ठीक है ना, इसको रिमूव कर देता हूं दर्शन, तो इसके बाद देखो क्या करना है, ये डिफरेंस आ गया y2 माइनस y1 इक्वल टू, थोड़ा केयरफुली देखना इसको, मैं लिख सकता हूं m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 m2, तो m2 माइनस m1 जब कॉमन लोगे आप इसमें से m2 माइनस m1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में जाएगा बेटा 2 माइनस k1 बाय m1 m2, यस सर, और m1 m2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का मल्टीप्लाई, तो m1 m2 c अपॉन a, तो m1 m2 आ गया माइनस 1, m1 m2 को माइनस 1 देने पे दिस पार्ट इज 3, तो दिस इज थ्राइस ऑफ m2 माइनस m1, ये आ गया y2 माइनस y1 का डिफरेंस, अपन दोनों तरफ मोड़ लगा देते हैं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 3 into, ये क्या रूट्स का डिफरेंस है, ये क्वाड्रेटिक m में इसके रूट्स का डिफरेंस, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स के डिफरेंस का फार्मूला डायरेक्ट रूट d अपॉन, ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने का मेथड कुछ नहीं है, इसका a तो बना आ गया, क्या आ गया देखो 3 रूट b स्क्वायर 4 प्लस 4 तो जाएगा 3 रूट a, ठीक है,
इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन गिवन है 6 रूट 2 2 रूट 6 5। तो आपको पता है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया 6 रूट 2 2 देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोला है। सिंपल आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ये, और उसमें x को पाई बाय 2 और y को 1 लेने के c की वैल्यू को अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा केयरफुली देखो। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली गिवन हो आपको, तो उसको सॉल्व करने के टोटल 6 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वी विल यूज वेरिएबल सेपरेशन, आफ्टर दैट इक्वेशन व्हिच आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, फिर होमोजेनियस, फिर पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं। तो अभी देखना चाहिए अपन को कि कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है। तो स्टार्टिंग से देखें, अगर dy के साथ y की टर्म और dx के साथ x की टर्म को अगर आप सेपरेट कर सकते हो, तो देन फर्स्ट टाइप होगी रिड्यूसिबल में कुछ पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने पे आप अगेन इसको टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। होमोजेनियस में ऑल टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हो। देखो इसमें dy के साथ y की टर्म ला नहीं सकते क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स में आ रहा है, y cos के साथ आ रहा है, ये ओनली sin cos है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या करना है, इस y स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट, अभी यही प्रैक्टिस है आपकी, इसको लीनियर डिफरेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जो लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्मेट है वो क्या है अपना, ये पढ़ा होगा आप सबने, dy dx px y qx। इसका मीनिंग क्या, सुनो, अगर ऊपर y है तो इधर ओनली y होना चाहिए, और अपॉन में dx है तो px and qx, p and q both are functions of x, बस इतना ध्यान रखना। तो प्लस क्या आ गए, y square cos x equal to 2 sin x cos x। तो सबसे पहले देखो एक काम करो, dy के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, तो एक काम करें sin से डिवाइड कर दें इसको। तो sin से डिवाइड करने के बाद ये क्या जाएगा, y square cot x equal to 2 cos x। इतना आने के बाद देखो क्या करना आपको, अगर आप dy dx का कोफिशिएंट 1 लाओगे तो y से डिवाइड करने पे क्या होगा, इधर y होगा और cos upon y, बट अपन को qx फंक्शन है वो ओनली क्या होना चाहिए, x का फंक्शन। तो उसका एक ही ऑप्शन है अपने पास, इसमें वी यूज बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन का मीनिंग टाइप 6 की हेल्प से आप उसको टाइप 5 में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, अब y, अरे इसको y चाहिए हमको, तो ये 2y को रिमूव करना है और इधर ओनली y आना चाहिए, देन वी विल पुट y स्क्वायर इक्वल टू t। अब क्या करो, y स्क्वायर को t पुट करो, तो y स्क्वायर को t लेट करने पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y dy dx = dt y dx। तो 2y dy dx को आप पुट कर सकते हो dt y dx, तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dt y dx प्लस cot x t इक्वल टू 2 cos x। तो अब देन दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dt y dx तो t के साथ t, x का फंक्शन, दिस इज x का फंक्शन, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log sin x, e की पावर log sin x, तो e की पावर ln sin x। आपको पता है प्रॉपर्टी 6 की हेल्प से sin x बेस बनेगा और ln e की वैल्यू बन, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया बेटा sin x, ठीक। चलिए अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या लिखते हैं, yif, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट इस बार y मत लिखना, अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पार्ट है dt / dx, तो क्या लिखोगे, tif, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन if into qx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को qx से मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर दैट उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो sin x है और qx भी कितना है इसका, सॉरी 2 cos x, तो 2 cos x sin x is sin 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन,
2 sin x equal to sin 2x का minus cos 2x upon 2 plus c आ जाएगा। ये आने के बाद अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि x को पिवट टू और y को मान लेने पे c की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दी वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x y। तो t इज y स्क्वायर, देन वी विल गेट y स्क्वायर sin x equal to minus of cos 2x plus c। तो पुट x equal to pi by 2 and y equal to 1, these values are given in the problem। तो x को pi by 2, y को 1 पुट करते हैं, तो sin pi by 2 1, y square is also 1, तो 1 equal to pi by 2 पुट करने पे cos pi minus 1, this is 1 by 2 plus c, तो then c equal to 1 by 2, c को आप 1 by 2 पुट करोगे, तो then differential equation is y square sin x, ये आएगा 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2x, तो 1 by 2 common ले सकते हो, तो क्या आ गया 1 minus cos 2x। After that, जब भी 1 के साथ cos हो तो 1 के साथ cos को cancel कर सकते हो, तो 1 minus cos 2x को क्या ले सकते हैं, 2 sin square x, yes sir, ये 2 से 2 cancel, 1 sin sin चला गया, तो y square equal to क्या जाएगा sin x, ठीक है, तो कर सकते हो बड़ा बार है, तो ये तो first option आ जाएगा y square equal to sin x, चलो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 में क्या बोला गया कि द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट एंड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखो, तो ये तो सिंपल है, एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय 2 पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक बार सेपरेट डायग्राम देख के सुनोगे, ये तो डायग्राम है, एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय 2 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट आपको रीजन कौन सा लेना है वो देखो, कुछ नहीं है, या तो ओरिजिन इनके अंदर वाला पार्ट होगा या आउटर पार्ट होगा, तो अगर ओरिजिन कर गया सेटिस्फाई तो फिर तो ये पार्ट हो गया, अदरवाइज इनके इंटीरियर पोर्शन होगा आपका, मतलब अप पोर्शन होगा, तो 0 0 पुट करने पे 0 लेस देन हाफ ई टू आर एस का मीनिंग, इसका तो पोर्शन आ गया ये वाला, और इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका मीनिंग है मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स कोमा मोड वाई लेस देन, मतलब मोड एक्स और मोड वाई में जो ग्रेटर है वो आपका मैक्स फंक्शन होगा और वो लेस देन इक्वल टू होगा। तो थोड़ा समझने की ट्राई करना, इसमें टू केस अराइज करने पड़ेंगे आपको कि ए मोड एक्स लेस देन मोड वाई है, इसका मीनिंग क्या है, मोड एक्स लेस देन मोड वाई का मीनिंग है एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ध्यान रखना इस बात को, आपसे बोला गया कि मोड वाई आपका मोड एक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात देखो, इधर अगर 0,1 हो गए तो 0 लेस देन वाई, ये 2 कर रहा है, इसका मतलब इसका पोर्शन यहां आ गया, ऐसे 0 को माइनस लेने पे इसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन जाएगा आपका, और लेना क्या है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जैसे मोड एक्स लेस देन मोड वाई ऐड किया आपने, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया मोड वाई, तो ये आ गया मोड वाई लेस देन 1, और मोड वाई लेस देन 1 का मीनिंग माइनस 1 से 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन आ जाएगा आपका। सिमिलरली जब आप सेकंड केस राइज करोगे तो रिवर्स हो जाएगा उसका, सेकंड केस में क्या बोलोगे कि मोड एक्स लेस देन मोड वाई, देन सेम थिंग, these are equations of x equal to y and y equal to minus x, but this bar minus 1 0 को satisfy, 1 0 भी इसको satisfy, तो then इस बार ये region होगा, और इस बार क्या write करोगे आप, mod x less than 1, mod x less than equal to 1, तो ये minus 1 से 1, तो इस बार ये portion आ गया, एक बार ये portion, और का मतलब दोनों को merge करना है, तो एक आपका square बन जाएगा 1 by 1 का, ठीक है ना, तो इन सब theory से आपको कोई पता चल गया, तो एक काम करें, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है ना, सिंपल क्या करना है देखो, मतलब मोड एक्स कॉमा मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसमें दोनों चीज पॉसिबल होंगी, कि मतलब माइनस 1 से 1 और वाई भी आपका माइनस 1 से 1 के बिटवीन आपको ये लेना है, और इसके अकॉर्डिंग टू ये पूछना आ गया, ये सारे पॉइंट है माइनस 1 कॉमा 1, ये 1 कॉमा 1 होगा, ठीक 2 से 1, और एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 देखो x y equal to 1 by 2 y equal to x y करेगा ना, तो x y half की लाइन ऐसे ड्रॉ होगी आपको, ठीक है, तो इस पर के तो इंटीरियर पोर्शन लेना है और रेक्टम हाइपरबोला का ये आउटर पोर्शन लेना है आपको, तो जब इस रीजन को आप स्केच करोगे इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा होगा, ये जो मैंने ब्लैक पेन से इसको बनाया, तो देखो क्या करना है वो सिंपल है, ये स्क्वायर से ये लेंथ बने ये भी बने, तो इस स्क्वायर का एरिया बना गया,
इस स्क्वायर का एडियल बना के, तो 1 एंड 1 तो क्या गेट 2 प्लस। फिर देखो आपको रिमेनिंग कौन सा एरिया है, ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया लिखना है और सेम थिंग्स थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक का बावजूद ही नहीं, ऑल फोर क्वाड्रेंट में आपका सिमेट्रिक है, जितना पोर्शन ही होता नहीं है, तो इसका डबल कर दे सीधा, तो क्या जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ब्लैक बोर्ड पे ये इस पॉइंट पे कट करता है, तो एक काम तो क्या करेंगे पहले ये एरिया फाइंड करोगे प्लस 1/2 से 1 दिस एरिया, ठीक है ना, सिंपल सी बात क्या है, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, तो xy लेस देन हाफ में जब y को 1 लोगे तो ये 1/2 आ गया ना x, ये x आ गया आपका 1/2, तो x अगर 1/2 है तो देन देखो एक ये सिंपल हो गया, ये लेंथ 1/2 ये 1, तो बेस इनटू हाइट तो 1/2 आ गया ना, तो सीधे इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 हटाओ सीधे क्या गया 1/2 प्लस नेक्स्ट एरिया कौन सा होगा दिस पोर्शन, तो उसमें क्या लिखोगे x की लिमिट 1/2 से 1 y dx, क्या कहना बोलो 1/2 से 1 y dx, तो देन 1/2 से 1 y dx, तो y की वैल्यू पुट करो तो क्या गया 2 प्लस, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या गया 1 आ गया ना, तो 1 एंड 2 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2 से 1 y की वैल्यू क्या होगी 1 y 2x dx, ये लो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या गया 3 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x 1/2 से 1, तो 3 प्लस हाँ ln 1 की वैल्यू 0 माइनस ln 1/2 और 1/2 को ले सकते हैं प्लस ln 2, रिक्वायर्ड एरिया 3 प्लस ln 2, इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, एक अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी एरिया का क्वेश्चन है, ही द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व दिस पार्ट एंड द पैराबोला दिस पार्ट, इन दोनों कर्व से बाउंडेड बाय एरिया आपको फाइंड करना है अबव द एक्स एक्सिस है और उसका स्मॉलर पोर्शन, देखो इसका मीनिंग क्या बेसिकली, जब आप इस एरिया को ड्रॉ करोगे तो देखो इसमें दो चीजें दिखती हैं आपको, एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है रेडियस 4 है, तो ये तो चलो ये बना दिया सेंटर 0 0 रेडियस आपकी 4 है और y स्क्वायर इक्वल टू 6x का डायग्राम ऐसे होगा, तो एरिया तो लेना है अबव द एक्स एक्सिस बट जो बाउंडेड बाय एरियाज में टू है एक दिस एरिया एक दिस एरिया, बट क्वेश्चन ने बोला गया स्मॉलर पोर्शन ऑफ दी, तो स्मॉलर पोर्शन इज दिस पार्ट, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, वो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, लेट दिस इज अल्फा, तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा है तो क्या करोगे, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, आप ओरिजेंटल स्टेप भी ले सकते हो वर्टिकल स्टेप जैसी भी आपकी इच्छा हो, पर करना दोनों का इंटीग्रेशन है, तो अगर ये अल्फा है एक्सपोनेंट तो क्या आएगा 0 से अल्फा दिस कर्व प्लस अल्फा से इसका 4 है ना 4,0 अल्फा से 4 सर्किल से बाउंडेड बाय एरिया, तो लिख देते हैं अपना क्या गया, तो ये लो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 0 से अल्फा y पैराबोला प्लस अल्फा से 4 y सर्किल दी x, यस सर दोनों से y की वैल्यू पुट करो और आपको अल्फा को फाइंड, अल्फा का मीनिंग x कोऑर्डिनेट, क्या करें x कोऑर्डिनेट को y स्क्वायर को 6x पुट करो, तो जब आप y स्क्वायर को 6x पुट करोगे तो देन वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या होंगे x प्लस 8 इनटू x माइनस 2 तो देन इससे x इक्वल टू क्या आ गया 2, मतलब इसमें अल्फा तो आपका 2 आ गया, ठीक है ना अल्फा 2 आ गया और y पैराबोला पैराबोला से y की वैल्यू जो √6x, तो एरिया आ जाएगा 0 टू 2 √6 इनटू √x, क्योंकि अपन को √x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, प्लस 2 से 4 सर्किल से y की वैल्यू √16 माइनस x स्क्वायर, तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करें आप, तो क्या करना है देखो √6 तो कांस्टेंट है बाहर लो √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 अपॉन में जाएगा, ठीक है ना, प्लस ये फॉर्मेट कौन सा है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x / 2 एज इट इज प्लस a² / 2 sin इनवर्स x / 1, इसको यूज करें अपन तो क्या लोगे x / 2 इंटीग्रेशन एज इट इज प्लस a² 16 / 2 इज 8 sin इनवर्स x / 4 और लिमिट लगा देना 2 से, ठीक है, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो देन वी विल गेट
ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करें बेटा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा रीजन को ड्रॉ करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर 2a माइनस x इक्वल टू x क्यूब एंड x इक्वल टू 2a अबव द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से अप x इक्वल टू 2a और इस कर्व ऑल थ्री से बाउंडेड बाय एरिया आपको करना है कैलकुलेट। तो देखो इसकी डायग्राम के लिए थोड़ा समझो क्या करना है, इसको अपन सेपरेट करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2a माइनस x। अब आप थोड़ा समझने की ट्राई करना, देखो ये 0 पे 0 है और ये आपका 2a पे 0 है, ठीक है ना, x के आगे माइनस आ गया तो कहानी माइनस प्लस माइनस से स्टार्ट होगी। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 0 से लेस लोगे तो दिस अपॉन इसका रेशियो नेगेटिव होगा, तो क्या y स्क्वायर की वैल्यू को भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नो, सिमिलरली x को 2 से ग्रेटर लोगे तो वंस अगेन नेगेटिव, तो y स्क्वायर नॉट पॉसिबल। इसका मीनिंग फिक्स हो गया कि x ओनली 0 से 2 होगा, उसी केस में अपन इसका डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना है देखो, और ये रफली डायग्राम बनाना आपको, देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम ओनली 0 से 2 में ड्रॉ होने वाला है, तो x को 0 पुट करोगे आप इसमें तो 0 को समथिंग इज 0, उसके बाद पता है कि 0 से 2 में वैल्यू पॉजिटिव है तो डायग्राम ऊपर बनेगा, और x को 2 में पुट करोगे तो देखो ये तो 2a का क्यूब 8a क्यूब और ये 0 आ गया ना, तो 2a से जस्ट प्लेस लेना अपन को ये, तो ये 0 है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी, ये पॉजिटिव 0 है तो समथिंग अपॉन पॉजिटिव 0 टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो इनफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मतलब x इक्वल टू 2 क्या होगा, इसकी एसिम्प्टोट्स होगी। तो डायग्राम चला गया ऐसे, ये किसका डायग्राम है, y पर इक्वल टू समथिंग, तो एक बार बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव है तो y क्या आएगा, प्लस माइनस, तो जैसा डायग्राम अप है वैसा डायग्राम डाउन है, क्योंकि इस फंक्शन में y को माइनस y पुट करने से डज नॉट चेंज, ये पढ़ा होगा आपने, x को माइनस x पुट करने का मीनिंग तो है कि फंक्शन y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होगा, और y को माइनस y पुट करने पे डज नॉट चेंज, तो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, तो जैसा डायग्राम अप होगा वैसा डायग्राम डाउन होगा, बट इसकी जरूरत है नहीं मेरे को, तो क्वेश्चन ने पूछा गया कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अबव द x एक्सिस एंड द लाइन, तो ये एरिया आपको करना है कैलकुलेट। तो सिंपल आप राइट कर सकते हो क्या, तो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 0 से 2a y dx और वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y, देन y इज x स्क्वायर अपॉन दिस पार्ट, तो y क्या आ गया x की पावर 3y2 अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस x। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यही मेन पार्ट है इसमें, उसमें देखो क्या करना है, इसमें we will use substitution method, काम पूरा इसमें जो x है ना, इस x को आपको put करना पड़ेगा 2a sin square theta, ठीक, थोड़ा सा लेंथी बट कर सकते हैं, x को जब 2a sin square theta put करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है, x को 2a sin square theta जब put करोगे तो 1/2 है ना, आप चाहो तो एक काम करो, चलो ठीक है 2a ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2a इसमें कॉमन, 2a इसमें कॉमन आ गया, 1 minus sin square theta is cos square theta, तो root cos theta आ जाएगा, और root 2 तो cos theta वाला जाएगा, ऐसी x की वैल्यू उधर पुट करोगे तो पावर 3/2 करने पे 2a की पावर 3/2, मतलब 2a into root 2a, तो root 2 तो cancel out होगा denominator वाला part, और sin square theta की पावर 3/2 sin cube theta जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद सिंपल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, और dx की वैल्यू 2a 2 sin theta cos theta पर करोगे, तो चलो एक काम करते हैं फटाफट से सब पुट कर देते हैं, आपके दैट को सॉल्व करना, तो देखो पुट करने पे क्या जाएगा, एरिया या आई इक्वल टू, देखो लिमिट को 0 लोगे तो sin स्क्वायर थीटा 0 तो 0 और 2a पुट करने पे ये जाएगा 5/2, ठीक है, अब देखो x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2a की पावर 3/2, तो 2a रूट 2a, और अपन को पता है कि इसको पुट करने पे वंस अगेन रूट 2a, तो रूट 2a तो कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली आ गया 2a, और sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 sin 2 थीटा, मतलब s क्यूब आ गया, ठीक है, और dx क्या आएगा 4a sin थीटा cos थीटा, 4a s into c d थीटा, तो लिखने लिखना है आपको, और अपॉन में 2a तो कॉमन आ गया, हो गया से 1 minus sin square थीटा cos square थीटा का रूट c, तो ये लो c से c चला गया, तो अपना क्वेश्चन रह गया i equal to 4a 8a 4a 2a 8a square sin की पावर
4 थीटा d थीटा 0 से पाई बाय 2 तो 0 से पाई बाय 2 में sin 4 थीटा d थीटा का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन तो सबसे सिंपल है दो ऑप्शन इसको करने के या तो आपको वो गामा फार्मूला पता होगा उसे यूज कर सकते हो या वोल्ज फार्मूला यूज कर सकते हो या फिर सबसे राइट ऑप्शन यही मेरे लिए तो पावर 4 है ना तो एक काम करो इसको लिख दो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा / 2 का होल स्क्वायर ठीक है तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ एरिया रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो उसको सॉल्व करने पे क्या आता है वो मेरे को याद नहीं आप देख लेना अपने पर ठीक है ना आंसर आएगा ऐसे सिंपल इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टाइम लगेगा बस और वो फॉर्मूला याद डायरेक्ट कर सकते हो ठीक चलो तो इसके अकॉर्डिंग इसका शायद ये थर्ड ऑप्शन आने वाला देखना ठीक चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 वंस अगेन एरिया आपको कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x - x² एंड द लाइन y = - देखो ये जो कर्व जो मैंने क्या है x² का कोफिशिएंट इसमें नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ये गिवन है y = इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो चाहो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है जिसकी रूट है 0 2 मतलब 0 2 पे क्या करेगा x एक्सिस को इंटरसेप्ट और y = - x की लाइन तो सिंपल है अपने तो चलो इस रीजन को ड्रॉ करते हैं बेटा तो डाउनवर्ड पैराबोला जिसको 0 2 से पास कराना है कैसे होगा और y = - x की लाइन ऐसे होगी ठीक है ना तो देन आपको क्या करना है रिक्वायर्ड एरिया बताना है देखो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा दिस पोर्शन दोनों से बाउंडेड बाय तो क्या करोगे सिंपल ये एरिया यहां से स्टार्ट है यहां जाके फिनिश करना है इसको ये लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेट अल्फा है x कोऑर्डिनेट तो क्या करोगे सिंपल ये बाउंडेड बाय एरिया चाहिए तो क्या करोगे 0 से अल्फा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व याद होगा आपको कि रिक्वायर्ड एरिया देखो अगर आप इसको सेपरेट करके देखोगे इस तरह ऐसे करो 0 से ये निकालो पहले प्लस 0 से दिस पार्ट में ये 0 से दिस पार्ट में दिस पार्ट में करो सुनो मित्र का इसमें अगर आप सेपरेट करोगे बट जब उसको सिंपलीफिकेशन करोगे प्रॉपर्टी 3 से डेफिनेट की तो वो फाइनल यही आएगा 0 से अल्फा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व सिंपल सी बात देखो ना यार 0 से अल्फा में जो एरिया है उसमें क्या होगा इस पैराबोला से बाउंडेड बाय कौन सा एरिया होगा एक तो ये एरिया आने वाला और एक दिस एरिया सुनना केयरफुली चलो मैं लिखता हूं एक बार 0 से अल्फा y पैराबोला माइनस y लाइन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ठीक है ना और dx तो देखो उसमें क्या दो चीजें हैं 0 से अल्फा में y पैराबोला तो पैराबोला का मतलब x एक्सिस पैराबोला 0 से अल्फा में बाउंडेड बाय एरिया तो कौन सा होगा 0 से 2 में एक तो पैराबोला का ये एरिया होगा एक 2 से अल्फा में दिस एरिया जिसको इंक्लूड फॉर आएगा उसमें ठीक है फिर आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या होगा 0 से अल्फा में ये डिनोमिनेटर में आपका सॉरी x एक्सिस के ब्लू में जो एरिया है ये क्या है रेक्टेंगल का एरिया ये एरिया आपका आने वाला बट ये एरिया आपको देखो ये नेगेटिव एरिया तो इंटीग्रेशन में नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा इसका मीनिंग जब प्लस करोगे तो इसमें ये एरिया और ये एरिया तो ऐड हो गया ये एरिया इसमें से क्या हो जाएगा आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है ना तो वो आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट होगा ठीक चलो तो क्या जाएगा y की माइनस y लाइन पहला बोला से y की वैल्यू पुट कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया y इक्वल टू 0 से आप फटाफट एक काम करना y की वैल्यू पुट कर देना तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा माइनस x इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर ये लो x इक्वल टू आ गया 3 मतलब अल्फा क्या आ गया 3 तो 0 से 3 y पैराबोला माइनस माइनस x तो क्या जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर dx ठीक है देन आप इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करोगे तो देन इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9y 2 तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेगा ठीक है तो बस मेनली इसमें एरिया को आपको ड्रॉ करना है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 9 क्या बोला गया एक फंक्शन गिवन है आपका fx और g इज ए नॉन जीरो इवन फंक्शन g आपका एक इवन फंक्शन तो चलो लिखते हैं मैं और एक कंडीशन गिवन है f ऑफ x तो 5 इक्वल टू gx तो 0 से x f की dt की वैल्यू को आपको करना है कैलकुलेट तो देखो क्या करेंगे इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसकी बात करते हैं एक तो इसमें गिवन है gx इवन फंक्शन दे gx इक्वल टू g ऑफ माइनस x उसके बाद एक कंडीशन गिवन है f ऑफ x plus 5 equal to gx तो देखो इसका यूज क्या हुआ अभी देख लो पहले gx g of minus x equal है तो मैं इसमें x को minus x put कर सकता हूँ तो इसमें जब x को minus x लोगे तो क्या आएगा 5 minus x equal to g of minus x और बेटा
आपको जीरो से एक्स एफ डी तो इसको अपन आईलेट कर देते कि लेट आई इक्वल टू जीरो से एक्स एफ डी। अब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपको ऑप्शंस में इंटीग्रेशन डीटी की फॉर्मेट में लाना है और लिमिट क्या है एक्स प्लस फाइव और फाइव इस पे फोकस करना है। और एक जो ये बात गिवन है इसकी और बात सुनो ये क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इसकी भी हेल्प आप लोग लेंगे ठीक है। तो देखो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखें आप जब भी किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी वेरिएबल हो फिक्स है 99% क्वेश्चन में उसका करना आपको डिफरेंशिएशन इसका यही होता है क्वेश्चन में बेसिकली। तो इसका जब न्यूटन्स लेवनिस से आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन तो देन वी विल गेट fx का डिफरेंशिएशन f(x) इक्वल टू राइट साइड में क्या करोगे न्यूटन्स लेवनिस फार्मूले से अपर लिमिट पुट किया तो gx आ गया x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस g0 0 का 0 जगह हटाओ ये आने के बाद आप थोड़ा देखो gx अगर आपका इवन फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं ना इसमें f डैश x को माइनस x लेने पे क्या गया g ऑफ माइनस x आ गया यस सर और g ऑफ माइनस x इक्वल टू gx और gx इक्वल टू f डैश x यस इसमें x को माइनस x पुट किया g ऑफ माइनस x को gx और gx इज वंस अगेन इससे आ गया f डैश x इक्वल टू f डैश x इंप्लाइज दैट f डैश x अगर f डैश माइनस x की इक्वल इसका मतलब f डैश x आपका इवन फंक्शन है और बेटा f डैश x अगर इवन फंक्शन है तो fx फंक्शन कैसा होगा ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी फंक्शन में कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इवन है तो फंक्शन ऑड होगा और डेरिवेटिव अगर ऑड है तो फंक्शन इवन होगा। इससे फाइनली हो गया कि fx इज मस्ट बी ऑड फंक्शन उसको भी लिख देते हैं ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस के f ठीक है। अब अपन अपने क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं देखो अपने क्वेश्चन में जो लिमिट है वो क्या है इसका जो आंसर गिवन है उसके आंसर में जो लिमिट है वो क्या 5 और 5 प्लस x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और सिंपल सी बात है अपन को लिमिट को gx की फॉर्मेट में लाना है तो एक काम करें आप इसमें रिप्लेसमेंट लगाओ t इक्वल टू x प्लस 5 क्योंकि मेरे को f की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना इन टर्म्स ऑफ gx। तो देखो f ऑफ x प्लस 5 आपका gx इसकी हेल्प से अपन एक काम करते हैं क्या करें आप x को पुट करो x प्लस 5 या p प्लस 5 ले लो तो p प्लस 5 पे i इक्वल टू क्या जाएगा t को 0 पुट करने पे p आ गया माइनस 5 और ये आ जाएगा x माइनस 5 और ये आ गया f ऑफ p प्लस 5 dt और f ऑफ p प्लस 5 को लिख सकते हैं gt क्या लिख सकते हैं gt। और एक काम और करो साथ ही साथ ये पता है f ऑफ x प्लस 5 आपका gx है और बेटा gx को मैं f x ले सकता हूं यस सर सिंपली आ गया ना f ऑफ x प्लस 5 आपका आ गया f डैश p तो ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 5 x माइनस 5 f डैश p dt और f डैश p का इंटीग्रेशन f ऑफ p हो गया ना और इसका इंटीग्रेशन f ऑफ p है तो अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो देन इससे आपका i आ गया f ऑफ x माइनस 5 माइनस f ऑफ माइनस 5। अब देखो जो अपन को गिवन है इसमें x की जगह x माइनस 5 तो 0 से x माइनस 5 आ गया और f ऑफ माइनस 5 भी 0 से माइनस 5 क्योंकि gt की फॉर्मेट में आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन में बट जो लिमिट है वो आपकी चेंजेज है एक में x माइनस 5 एक में माइनस 5 हमको तो 5 और x को 5 क्रिएट करना है काम करो f ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू क्या ले सकते हैं तो f ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू के लिए आप इसमें से एक बार देखना कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें लिमिट सही नहीं सही हाँ ठीक है तो f ऑफ x माइनस 5 तो f ऑफ x माइनस 5 के लिए कहाँ गया वो अपना ये लो इसमें पुट कर दो x की जगह x माइनस 5 क्योंकि मेरे को तो x प्लस 5 लेके आना है तो इस ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो इसमें x को x माइनस 5 पुट करोगे आप x की जगह x माइनस 5 तो क्या जाएगा देखो f ऑफ
5 minus x equal to minus f of x minus y, बोलो आ रहा है ना, तो इससे ये आ गया f of x minus 5 आपका minus f of 5 minus x होगा, और f of x को अगर 5 लोगे तो f of minus 5 को minus f of 5 हो जाएगा आपका, तो ये तो आ गया सिंपल plus f of 5, और ये क्या जाएगा देखो minus f of 5 minus x, ये सर, और उसके बाद देखो सिंपल ये तो f of 5 है जी minus f of 5 minus x, और देखो बेटा f of 5 minus x को मैं पुट कर सकता हूँ f of x plus 5, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीज यूज की इसके लिए, तो ये आ गया f of x plus 5, अब कुछ नहीं, अब तो सिंपल हो गया f of 5 और f of x plus 5 की वैल्यू के लिए इसकी हेल्प हो गया, तो चलो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो क्या जाएगा i equal to integration f of 5 तो आ गया 0 से 5 gdt माइनस आ जाएगा 0 से x plus 5 कितना 1 सेकंड gdt, ये आने के बाद कुछ नहीं करना सिंपल है, इस लिमिट को अगर इंटीग्रेशन करो तो प्लस में जाएगा, तो इसमें जब आप लिमिट को क्या करते हो इंटीग्रेशन करते हो, तो लिमिट को देखो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा i equal to ये प्लस में आ गया, और क्या आ गया प्लस में x plus 5 से 0 gdt plus this part adjt 0 से x, और अब आपको समझ में आना चाहिए ये प्रॉपर्टी थी, यूज करो डेफिनेटली a से b plus b से c या a से c plus c से a से c plus c से b, तो सीधा a से b लिख सकते हैं, तो देन इससे i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x plus 5 x g of t, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है क्या, समझ x plus 5 से 5 x plus 5 से 5 ये गलत कर दिया 0 से 5 का, सॉरी ये कह रहा 0 से 5, तो x plus 5 से 5 gdt, तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट गुड क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया, the point on the parabola y square equal to 4ax which are closest to the circle this part, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि आपको टू पैराबोला और सर्किल के बिटवीन, मतलब पैराबोला पे एक पॉइंट बताना है जो सर्किल से क्या हो शॉर्ट, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मतलब सबसे पास में होना चाहिए, तो देखो ऐसे समझो ये लेट आपका सर्किल है और ये लेट इसका पैराबोला, तो सबसे पास में पॉइंट यही होगा ना, सबसे पास में पॉइंट होने का मतलब उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ये आपको पता होगा कि टू कर्व के जो मिनिमम डिस्टेंस है, टू कर्व के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस है लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और सेंटर ऑफ द सॉरी कॉमन नॉर्मल ऑफ द सेंटर, ये नॉर्मल ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो जो कॉमन नॉर्मल है सर्किल के सेंटर से पास होगा, कुछ मत करो इस पैराबोला पे पॉइंट आपको पी करना फाइंड आउट, तो ये जो पॉइंट पी होगा ना यही आपका सर्किल से क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस पे, तो देन क्या करें इस पॉइंट पी को लेट करते हैं पैराबोला पे, पैरामीटर फॉर्म में x को t इसको लोगे तो ये 2t आ गया, बस सिंपल आपको t की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे इस पॉइंट पी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख के उसको सेंटर से पास करा दो 0,12 से, तो देन वी विल गेट पॉइंट t, तो पॉइंट t अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 2y by 1 equal to 4, तो इस स्लोप आ गया y1 equal to 2 upon 2, अगर टेंजेंट का स्लोप 1 by t आ गया तो नॉर्मल का स्लोप माइनस की टी होगा, तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 2t equal to नॉर्मल का स्लोप इज माइनस t x माइनस t स्क्वायर, और इफ नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द 0,12 तो x को 0 y को 10 पुट कर दिया गया 12 माइनस 2t इक्वल टू 0 तो प्लस के t t क्यूब आ गया ना, तो आ गया t क्यूब प्लस 2t इक्वल टू 12, तो देखो ढंग से इसको t को जब आप इसमें पुट करो तो क्या करेगा सेटिस्फाई, तो t इक्वल टू 2 लेने पे आपका पॉइंट आ जाएगा 4,4, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि टू कर्व के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस है लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, तो उनका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दो,
और कॉमन ऑर्बिटल पे जो इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट पे टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मिनिमम डिस्टेंस ही पूछी जा सकती है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कुछ भी है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस पार्ट इज, इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू चाहिए। तो देखो थोड़ा ध्यान रखें, जब भी लिमिट आपकी माइनस ए से ए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे फंक्शन इवन होगा या ओड होगा। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे sin x पर x तो इवन फंक्शन है, बस आपको इस डिनोमिनेटर को देखना है, तो इसको एक फंक्शन लेटर दो f(x) x / π + 1/2। इसको इवन ओड देखने के लिए x को -x पुट करोगे तो क्या आ गया, माइनस x पुट करोगे तो ये आ गया। अब थोड़ा केयरफुली देखो, एक प्रॉपर्टी आप सबने रीड की होगी कि स्टेप x प्लस स्टेप माइनस एक्स को अपन लिखते हैं माइनस वन इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो इसको माइनस एक्स लिख सकते दोनों का सम। तो देखो बेटा अपने क्वेश्चन में जो एक्स की वैल्यू गिवन है वो क्या माइनस टू से टू, तो माइनस टू से टू के बिटवीन तो अपने स्टेप किसका चाहिए, इसका और इसका, इसमें एक्स अपॉन पाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस टू अपॉन पाई से टू अपॉन पाई। और देखो माइनस टू अपॉन पाई से टू अपॉन पाई ये क्या है, नॉन इंटीजर पार्ट, आप जीरो को स्प्लिट कर सकते हो, जीरो पे स्प्लिट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखना दो मिनट के बाद। इसका मीनिंग पता चल गया कि x अगर माइनस टू से टू है तो x अपॉन पाई माइनस टू अपॉन पाई से टू अपॉन पाई होगा, मतलब ये भी आपका नॉन इंटीजर पार्ट है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। तो देन दिस प्लस दिस का सम अपन माइनस में यूज कर सकते हैं। तो देखो जब आप इसको एड करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का सम आ गया माइनस वन और ये जीरो आ गया ना, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इसमें जीरो भी तो प्रॉब्लम है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा जीरो पे, लो इसको आप ऐसे लिख देना माइनस टू से जीरो और जीरो से टू। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अपन बाद में तो मर्ज कर सकते हैं ना, अरे यार ये फंक्शन तो माइनस टू से जीरो में ऑड आ गया, तो माइनस टू से जीरो में ऑड है, जीरो से टू में ऑड है, तो बाद में मर्ज करने में दिक्कत क्या रही है। ठीक है ना, तो देन अल्टीमेटली जो कंप्लीट फंक्शन है, और सीधी सीधी बात है जीरो पे तो वैसे जीरो आ रहा है, जीरो पे तो वैसे जीरो आ रहा है आपका, समझे, तो ये फंक्शन आपका माइनस टू से टू में कंप्लीटली कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड है तो माइनस के टू में उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे देखो, फोर ए रियल नंबर वाई स्टेप डिनोट दी जी आई फंक्शन, तो माइनस फाइव बाई टू से थ्री पाई बाई टू में आपको टू साइन एक्स की स्टेप की वैल्यू को चाहिए करना फाइंड आउट। तो सिंपल सी बात ही आपको पता है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसका मीनिंग आपको पहले स्टेप को ओपन करना है, और स्टेप को ओपन करने का मेथड क्या है कि स्टेप फंक्शन ऑलवेज आपका इंटीजर पे स्प्लिट होगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो ये अंदर वाला पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, गिवन इंटरवेल में पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में अपन टू साइन एक्स के डायग्राम की बात करते हैं। मैंने तो पूरा बना दी समझाने के लिए, ये टू होगा, ये माइनस टू है, तो देखो पाई बाई टू आपका इधर होगा, थ्री पाई बाई टू आपका जिस है, बट अपन को पता है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में इसका आउटपुट माइनस टू से प्लस टू है, देन इसके बिटवीन जितने भी इंटीजर है उसमें क्या होगा, स्प्लिट होगा ना, तो इसके बिटवीन टू इंटीजर हो रहे हैं, एक तो वन होगा और एक इधर होगा माइनस के वन, मतलब माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में एक ये पॉइंट आएगा अपने लिए यूजफुल, ये तो पता है पाई है, और एक ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है कि वन लाना है किसको, टू साइन एक्स वन, मतलब साइन एक्स आपका हाफ और साइन एक्स आपका माइनस हाफ, तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है बताओ, तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ ये तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये तो आ गया फाइव पाई बाई सिक्स, और ये जो पॉइंट है क्या होगा सेवन पाई बाई सिक्स। बस ये लिखने के बाद अब देखो क्या करना, अपन लिखते हैं अपन आई इक्वल टू, देखो इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक तो बनेगा पाई बाई टू से दिस पॉइंट, मतलब फाइव पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू से फाइव पाई बाई सिक्स प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ना पाई बाई टू से फाइव पाई बाई सिक्स में इसका आउटपुट आ रहा है टू से वन, और टू से वन का स्टेप वन होगा,
5 पाइवेट से 5 भी इसका डायग्राम ये है, इसका आउटपुट 07 07 का स्टेप 0 बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्लस अगला होगा पाई से 7 पाई बाय 6 और लास्ट इंटीजर 7 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय, और सिंपल है पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 में जो 2 साइन एक्स है इसका आउटपुट 0 1 से 2 है, 1 से 2 का स्टेप 1dx ये पुट कर देना। 5 पाई बाय 6 से पाई में आउटपुट आपका 07 है, का स्टेप 0dx 0 हो जाए, और पाई से ये पाई इधर है, पाई से 7 पाई बाय 6 के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट ये है ना, ये दो डायग्राम है, और इसका आउटपुट क्या होगा 0 से -1 और 0 से -1 का स्टेप -1 हो जाएगा, कह जाएगा -k1dx सॉरी -k1dx, और लास्ट में 7 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2 के रिगार्डिंग ये डायग्राम होगा, इसका आउटपुट है -1 से -2 और -1 से -2 का स्टेप -2 होगा, तो जाएगा -k2dx, कुछ नहीं है सिंपल, ये तो आ जाएगा i इक्वल टू 1 का तो x हो गया ना, तो सिंपल आ जाएगा 5 पाई बाय 6 माइनस के 5 बाय 2, इसका तो 0 हो गया हटा दो माइनस कॉमन, तो अगेन अपर माइनस वैल्यू होगा तो 7 पाई बाय 6 माइनस 5 होगा, ऐसे ही माइनस 2 कॉमन 3 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 6, इसको सॉल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिक्स है, जब भी इंटीग्रेशन करना हो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अंदर फंक्शन क्या है जीआई फंक्शन है आपका या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो आपको उसको ईच इंटीजर पे स्प्लिट करना है, तभी चेक कर लो कि जो स्टेप के अंदर वाला पार्ट है वो कौन कौन से इंटीजर पे स्प्लिट होगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पे आपको प्रॉपर्टी 3 से इसको स्प्लिट करना है। चलिए तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है बेटा थर्ड ऑप्शन -k/5। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 दिस अपॉन दिस, तो देखो आप थोड़ा समझने की ट्राई करना, जब भी लिमिट गिवन है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे लिमिट को पुट करो फिर देखते हैं क्या होगा, x को पाई बाय 2 लेने पे पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 आ गया, ये पाई स्क्वायर बाय 4 ये भी पाई स्क्वायर 4 तो 0, मतलब x को पाई बाय 2 पुट करने पे लोअर और अप सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का 0 पर 0, और जब भी 0 बाय 0 फॉर्म हो तो क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से अपन उसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो देखो और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन किससे करोगे न्यूटन्स लेविन्स फार्मूले से, और वो क्या कहता है न्यूटन्स लेविन्स फार्मूला, पहले अपर लिमिट पुट करो तो 2 की पावर माइनस cos x माइनस में x कॉमन हो गया पाई बाय 2 में 0, अपर लिमिट पुट करोगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर पुट करने पे x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर करो x होगा मोड x होगा लेकिन पाई बाय 2 तो मोड x प्लस के साथ ओपन होगा माइनस के पाई बाय 2 आ गया और x स्क्वायर का जाएगा, ठीक है लिमिट तो लगा नहीं लगा दी x tends to, अब देखो इसके बाद कैसे करना है, इसमें बेटर ऑप्शन यही है ये x minus pi by 2 ये x tends to pi by 2 इसमें लगा दो सब्स्टिट्यूशन, x को पुट कर दो pi by 2 plus t या x को pi by 2 plus t पुट करोगे तो x minus pi by 2 t आ गया ना एक तरीके से, क्या जाएगा लिमिट x को pi by 2 लेने पे आ गया t tends to 0 और x को pi by 2 यहां पुट करो तो cos pi by 2 plus t minus के sin t के आगे 2 की पावर sin t minus 1 upon x minus pi by 2 आगे t और 2x की वैल्यू क्या होगी pi plus 2t, यस सर। दिस आने के बाद अब थोड़ा देखो t को 0 पुट करने पे 2 की पावर 0 minus 1 0 को 0 फॉर्म है, ये तो pi आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो इसके बाद अपने पास करने के 2 ऑप्शंस है, आप डीएल रूल अप्लाई कर सकते हो या स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड लिमिट का फंडा बहुत यूजफुल आना चाहिए, ये आपको पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है ln a, यस सर। तो देन देखो इसको आप स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट t टेंड्स टू 0 इसको ऐसे लिखते हैं ये 2 की पावर sin t माइनस 1 सॉरी 1 को सेट करो उधर, तो ये देखो a की पावर x तो t को 0 लेने पे ये भी तो 0 आ रहा है 2 की पावर 0 तो ये 2 की पावर x माइनस 1 है तो ये अगर x है तो अपॉन में मेरे को sin t भी चाहिए ये लो, और ये क्वेश्चन में t तो आ ही गया तो sin t मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देते हैं ये लो, और ये तो क्या x प्लस या 2t प्लस y आ गया, ठीक है। तो देन देखो
लिमिट पी जीरो पुट करने पे ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगी, ये भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये भी जीरो की तरफ टेंड, तो क्या गया ln2 आ गया, ln ln2 अपॉन t टेंड्स टू जीरो पे sin t / t आल्सो 1, ये वन हो गया हटाओ और t को जीरो लेने पे क्या आ जाएगा पाई, इसका आंसर क्या आएगा ln2 / पाई, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, tangent at any point px comma y on the curve y equal to fx, cut the x axis at a and n is the foot of perpendicular drawn from p on the x axis, the midpoint of a and n is always 2, 0, then equation of family of curve is। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ये एनी कर्वे लेट y equal to fx, उस कर्व पर एक लेट पॉइंट आपने p लेट के x को हुआ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट, ठीक है ना, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट px, ये टेंजेंट है, इसको कट करती है लेट पॉइंट a पे, और पॉइंट p से जब आप x एक्सिस पे ड्रॉ करोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको नेम दिए गए हैं, तो जो a है ना इसका जो मिड पॉइंट है ये गिवन है 2, 0, तो देन आपको इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो क्या करें अपन, पहले a और m को करते फाइंड आउट, तो a m तो क्या है x को मैं 0 और पॉइंट a के लिए क्या करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p a आपको पॉइंट p पे क्या लिखनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे y minus y equal to, मैंने क्या किया ये कैपिटल x कैपिटल y पॉइंट आपका स्मॉल x में, y minus y equal to tangent का स्लोप एवरेज x कैपिटल x minus स्मॉल x, आपको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट का मतलब कैपिटल x की वैल्यू चाहिए, और पॉइंट या x एक्सिस पे कैपिटल y पॉइंट क्या हुआ 0, तो 0 आ गया, एवरेज x से डिवाइड करो तो कैपिटल x आ जाएगा x minus y upon एवरेज x, यस सर, ये पॉइंट x आ गया, ये पॉइंट m पता है, तो मिड पॉइंट क्या होगा दिस प्लस दिस y2, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या जाएगा x और x 2x minus 2x minus y y एवरेज x, क्या जाएगा 2x minus y upon एवरेज x upon 2 equal to, तो upon equal to हो जाएगा 4, ये आपका आ गया कर्व, बस अब आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, काम करते हैं अपन, इस 4 को उधर ले आओ तो क्या आ गया 2x minus 4 equal to y upon f dash x, समझ में आ गया सबको, अब देखो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो थोड़ा इसमें से रिमूव करना पड़ेगा बेटा, इधर देख लो चलो, और f dash x का मीनिंग क्या dy by dx, तो ये आ गया 2x minus 4 dy upon dx equal to y, इसको मल्टीप्लाई, तो देखो उसमें we can use separate variable of separation, तो dy के साथ y dx के साथ x, तो y को अपॉन में ले आओ तो क्या आ गया d अपॉन y, dx उधर चला गया और इसे डिवाइड कर दो 2x minus 4, तो जब बोथ साइड क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन y का तो आ गया ln y, इसका जाएगा 1 by 2 ln 2x minus 4 plus constant लगा देना ln c, 2 को आप इधर ले जाओ तो 2 ln y आ गया ना, तो ln y इसको लिख सकते हो equal to ln x minus c या 2x minus 4 आ जाएगा जो भी, और ये आने के बाद प्लस आ जाएगा ln c square, और ln a plus ln b का फॉर्मूला यूज करोगे तो a plus b अप्लाई कर सकते हो, तो क्या करना है इसके बाद, देखो कुछ नहीं करना है इसको, ln a plus ln b करो तो क्या आ गया ln y square equal to ln 2x minus 4 into c square, ln से ln cancel out, तो क्या आ गया y square equal to 2c square x minus, ये इसका final answer, ये आपका required curve होगा, और 2c square constant, इसको आप c भी let कर सकते हो, तो then इसके अकॉर्डिंग इसका third option हो जाएगा y square equal to c into x minus k 2, चलो उसके बाद देखो question number 15 क्या बोला गया कि the angle at which the circle and circle this part intersect, मतलब आपको टू सर्किल के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, सिंपल, देखो जब भी टू सर्किल गिवन है तो सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ज्यादा बेटर है, और एक सर्किल और एक मतलब टू नॉर्मल कर्व गिवन है और
उनके बिटवीन आपको करना एंगल फाइंड आउट। तो फिर तो क्या करते हैं, उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट पी लेट करो, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों का डीओवाईडी फाइंड आउट करो, तो वो स्लोप आ जाएगा दोनों टेंजेंट का m1 m2। और उन इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट के बिटवीन एंगल होगा वो सेम एंगल ही क्या होगा, 2 कर्व के बिटवीन एंगल। तो ये तो क्या कैलकुलस का पार्ट है, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों सर्किल्स गिवन है, तो 2 सर्किल्स गिवन है आपको और उनके बिटवीन क्या चाहिए, इंटरसेक्शन एंगल। तो आप सबने पढ़ा होगा शायद ये पॉइंट, तो ये लाइन इसका सेंटर c1 है, ये c2 है, ये दोनों के बीच, तो ये एंगल आपको को चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला आप सबने रीड किया होगा, कोसाइन फार्मूला, कि एंगल बिटवीन डैमेज cos π - θ r1 2 r2 - c1 c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू पुट कर दो, देन वी विल गेट द आंसर। r1 क्या होगा, फर्स्ट सर्किल की रेडियस √10, ये लो, तो √10 का स्क्वायर 10 आ गया ना। सेकंड की रेडियस 5 है, √5 तो 5 आ गया। और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, पहले का सेंटर है 1, 0, दूसरे का सेंटर है 0, तो ये लो, तो c1 c2 क्या जाएगा, √5, ये भी आपका 5 आ गया, और अपॉन में 2 √10 √5, 5 से 5 चला गया, तो कितना आ गया देखो, √10 से 10 गया तो √10 अपॉन 2 √5, और √10 को √2 √5 लिखोगे, √5 से √5 चला गया तो क्या गया, 1/√2। ठीक है, तो cos की वैल्यू 1/√2 का होती है 5/4 की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 5/4। तो सिंपल फार्मूले से करो ज्यादा बेटर है। और अगर सर्किल के अलावा और कोई भी कर्व गिवन हो, एक सर्किल है, एक पैराबोला है, या एक दो नॉर्मल कर्व गिवन है, तो आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलें क्वेश्चन नंबर 16 क्या लगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल x² + y² = 1 एट द पॉइंट वेयर इट मीट बाय द सर्किल स्पार। मतलब आपको इस सर्किल पे उन पॉइंटों पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो इस सर्किल को मीट करती है, सेकंड सर्किल को, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट। तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए। देखो इसका मीनिंग है, इसको समझाने के लिए इसको सर्किल s1 बोल देता हूं मैं आपको, इसको सर्किल s2 बोल देता हूं। कुछ नहीं बोला गया, जरा ये s1 सर्किल है आपका और ये s2 सर्किल, इसको लेट ऐसे कट करता है, ठीक है ना। तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या करोगे, फर्स्ट सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट सर्किल के लिए टेंजेंट कैसे होंगी, एक तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे। तो इस पॉइंट p का अपन को बताना है लोकस, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। तो क्या करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेट करो बेटा h, k। तो इस पॉइंट p के रेस्पेक्ट में सुनना ब्लैक बोर्ड पे, ये लेट इंटरसेक्शन पॉइंट a है, ये लेट पॉइंट b है, तो इस ab क्या होगी इन दोनों की, बोलो, कॉमन कॉर्ड। तो टू सर्किल अगर गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज s1 - s2 0। तो जब आप s1 - s2 को 0 करोगे तो एक काम करें, s1 का मतलब x² y² - 1, इसमें से ये सर्किल माइनस करोगे तो देखो x² y² तो हो गया कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा -1, ये माइनस प्लस बन जाएगा, लैम्डा टाइम प्लस 6 * x वाला पार्ट, अगला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया, 2λ - 8y और a प्लस के 3 = 0। मतलब सिंपल ab जो कॉमन कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो लैम्डा प्लस 6 * x प्लस 2λ - 8 * y प्लस 2 = 0, ये आपकी कॉमन कॉर्ड ab की इक्वेशन है बेटा। उसके बाद आप वंस अगेन इस पॉइंट p के रेस्पेक्ट में ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये a और b क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन करने से जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं बोलो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्या होती है, वंस अगेन t 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्या लिखते हैं, t = 0। तो ये ab जो लाइन है ये दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो s1 - s2 = 0 और पॉइंट p के रेस्पेक्ट में ab इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कांटेक्ट इज t = 0। t का मतलब इस फर्स्ट सर्किल के रेस्पेक्ट में, तो t का मतलब xx1 + yy1 = a² तो क्या जाएगा, xh hx + ky - 1 = 0 और ये भी आपकी ab की इक्वेशन है। देन a एंड b बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों इक्वेशन आपके आइडेंटिकल हैं, तो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो आप क्या लिखोगे इससे,
एच अपॉन लैम्डा प्लस सिक्स, क्या लिखना ब्रो, एच अपॉन लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल टू के अपॉन टू लैम्डा माइनस एट इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। कुछ नहीं करना, एक बार इन दोनों को पकड़ना आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या ये देखो लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस के थ्री एच, तो लैम्डा जाएगा माइनस के थ्री एच माइनस के सिक्स, और एक बार इन दोनों को कंसिडर करोगे तो क्या जाएगा, देखो टू लैम्डा माइनस एट इक्वल टू माइनस के थ्री के, तो इससे क्या गया लैम्डा इक्वल टू एट माइनस थ्री के अपॉन टू। कुछ नहीं करना, दोनों से लैम्डा का एलिमिनेशन कर दो तो एच और के में जो रिलेशन होगा वो आपका क्या जाएगा लोकस, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। एबीसीडी जे स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, एक स्क्वायर है एबीसीडी उसका एरिया यूनिट बोला गया। इस सर्किल इज टेंजेंट टू द टू साइड्स ऑफ एबीसीडी, एक सर्किल है जिसकी दो साइड तो उसकी टेंजेंट है एंड इज पासिंग थ्रू द एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, और वो सर्किल उनमें से एक एग्जैक्टली वन वर्टेक्स से पास होगा तो देन रेडियस ऑफ दी सर्किल। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में एक बात बोली गई कि एबीसीडी जो स्क्वायर है वो यूनिट एरिया का, तो काम कर सकते हो आप यूनिट एरिया का एक स्क्वायर लेट कर दो एक्स बेसिस भी लो, ये जीरो लेट कर दो, ये लेंथ वन है तो एक वन कॉमन जीरो आ गया, ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी, एबीसीडी मान लो अपने क्या दे रहे हो ए बी सी, ठीक है ये वन कॉमन बना गया। तो जब भी 2D के अंदर अगर आपको कोई चीज फिक्स बोली गई है कि ए बी सी डी स्क्वायर है यूनिट लेंथ का, तो मान सकते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, इसको कहीं भी शिफ्ट करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, एरिया तो वही होगा ना। अब एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें क्या बोला गया तो दो साइड को टच करता है और एक वर्टेक्स को से पास करना, तो कुछ भी बना सकते हो। देखो तो मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ इन दोनों को तो टच करा देता हूँ कहीं भी, ये और इस पॉइंट से पास करा देते, एक रफी डायग्राम ठीक है, डरना मत, ये मान लीजिए हो गया ना। तो देखो क्या होगा, अगर इसका ये सेंटर है तो टेंजेंट है दोनों, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है और ये भी इसकी क्या रेडियस, तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखना ढंग से, इस सेंटर से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो देखो ये इसका अगर डायमीटर है तो ये लेंथ आपकी 1 है, ये r है तो ये लेंथ क्या जाएगी 1 माइनस r, तो देखो ढंग से ये r है तो ये भी r है, तो सर्किल का सेंटर आ गया r कोमा 1 माइनस r, r कोमा ये लो रे, और बाद में इस सेंटर मान लेते इसको p, p की पॉइंट b से डिस्टेंस pb क्या होगी रेडियस r के इक्विवेलेंट, यस सर, तो लिख देते अपने फिगर इस पॉइंट की से डिस्टेंस r माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वन सगेन वन माइनस आर जीरो लोगों तो आर माइनस वन का स्क्वायर रूट आएगा तो जल्दी आर स्क्वायर कर दिया, डबल हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन हो गया बस। तो ज्योमेट्री से करना था इस क्वेश्चन, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जी स्क्वायर रूट ले लो तो रूट टू आर माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस आर इतना। तो एक बार दोनों केस अराइज करो, जब टेकिंग प्लस लोगे तो टेकिंग प्लस लेने पर आर जनाने पर क्या जाएगा आर कॉमन root 2 minus 1 equal to root 2 और इसको सीधा root 2 minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गया root 2 plus 1 से करो तो इससे दे जाएगा 2 plus root 2। तो अब आप ये बताओ क्या जो रेडियस है डायमीटर के 2 से बड़ा हो सकता है क्या, अरे ये r आपका क्या है सॉरी ये टोटल जो लेंथ है क्या 2r, तो 2r की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी ना, रेडियस 1 बाई 2 से छोटी होगी हमेशा फिक्स है, रेडियस क्या होगी हाफ से लेस होगी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। जब आप टेकिंग माइनस रूट टू उल्टा हो जाएगा ये क्या जाएगा आर कॉमन रूट टू प्लस वन इक्वल टू रूट टू, तो इसको रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो आर आ जाएगा रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन, इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा टू माइनस के, ये इसकी रेडियस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन वो तो ठीक है, ऑप्शन दे नहीं देखा तो वैसे ही गलती नहीं कर पाओगे आप। चलो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 में बोला गया द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस
represented by this part by the line here y equal to 0. देखो उसका meaning क्या समझो, ये two lines है y equal to m1x और y equal to m2x, क्योंकि both are passing through the origin. ये लाइट आपकी two lines है, ये लाइट y equal to m1x और ये लाइट y equal to m2x. इन दोनों लाइनों की आप yx y जीरो मतलब x x में इमेज लोगे तो क्या होगा, देखो ये जो l1 लाइन है आपकी, दिस इज लाइट l1 है, दिस इज लाइट l2, तो सेम डिस्टेंस पे लाइन मतलब जितने एंगल है ना उतने एंगल के नीचे की तरफ बन जाएगी लाइन, ये आपकी l1 डैश है और इसकी इमेज लोगे तो सेम एंगल पे नीचे की तरफ बन जाएगी, दिस इज लाइट l2. तो एक बात बताओ, इसका स्लोप m1 है मतलब ये लाइट एंगल थीटा 1 है, तो ये आ गया m1 equal to tan theta 1, तो ये क्या हो जाएगा minus k theta 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा minus k m1 और इसका स्लोप हो जाएगा similarly minus k m1. और सिंपल सी बात है, अगर स्लोप अगर minus m1 minus m2 है तो लाइन क्या होगी, y equal to minus k m1x और y equal to minus k m2x. तो एक तरफ लाके इसको मल्टीप्लाई कर दो ना तो अपन को कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी y plus m1x and y plus m2x, तो क्या जाएगा सिर्फ y square plus m1 plus m2x plus m1 m2 x square 0. तो m1 plus m2 तो क्या होगा minus k 2h upon v, तो y square equal to y square minus 2h xy upon a और plus m1 m2 की वैल्यू क्या होती है बोलो, minus 2h upon b और इधर a upon b, देन आंसर क्या जाएगा by स्क्वायर माइनस की 2hxy प्लस ax स्क्वायर, मतलब ओनली xy के आगे माइनस आ गया, किस बार आ ये लो, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना. ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको और नेक्स्ट टाइम देखो क्या करना है, सुनो सीधा ज्योमेट्रिकली मेथड है, क्या कर सकते हो सीधा इधर आओ, ये टू लाइन है आपकी l1 एंड l2 और इनकी कंबाइंड इक्वेशन आपको गिवन है दिस पार्ट, ठीक है. इन दोनों की इमेज लोगे आप y equal to 0 तो वैसे होगी नहीं, तो देखो इसमें बेसिकली होगा क्या, ये लेट l1 डैश है, ये लेट l2 डैश, ठीक है. तो एक बार अगर इस पे कोई भी पॉइंट होगा x कॉमा y, उसकी जब आप x x में इमेज लोगे तो सेम इधर देखेंगे ना, और इमेज का कोई पॉइंट px कॉमा माइनस y, सिमिलरली इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी इमेज इस पे दिखेगी. तो ये पॉइंट अगर लेट x कॉमा y बन सके तो ये भी क्या होगा पॉइंट p x कॉमा माइनस, यस सर. तो एक बात बताओ उसका मीनिंग क्या है, इन दोनों की जो कमांड इक्वेशन है वो आपकी दिस पॉइंट है और ये जो l1 l2 डैश है इनकी जो कमांड इक्वेशन में केवल क्या होगा y की जगह माइनस y आएगा. तो सीधा शॉर्टकट मेथड है कि जो गिवन इक्वेशन है आपकी उसमें x को x पर दो और y को सिंपल माइनस वाई पर कर दो तो सीधा आंसर जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस के टू एच एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर, ये कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में ये पूछी थी बताओ लाइन वगैरह बताओ एक्स जीरो में तो भी सेम ही आंसर है क्योंकि एक्स इक्वल टू बोलो वाई एक्स में इमेज की बात करोगे तो एक्स की जगह जाएगा माइनस एक्स वाई आपका सेम पॉइंट होगा तो भी सेम आंसर आएगा. अगर ये बोलता है कि ये एल वन एल टू लाइन है तो इनकी परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताओ, आप बताओ क्या बताओ परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन या फिर y equal to x में इमेज बताओ. सुनो y equal to x में इमेज क्या होगी तो y equal to x में क्या होगा, y equal to x में अगर इमेज की बात करेगा ये तो इस कोई भी लाइन पे पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा तो y equal to x में उसकी इमेज क्या होगी अल्फा बीटा कॉमा अल्फा मतलब x तो y बन जाएगा y आपका x बन जाएगा तो a और b के कोफिशिएंट आपके इंटरचेंज तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना. और y equal to minus x बोले कि बताओ y equal to minus x में इसकी इमेज बताओ तो अगेन कर दोगे ना कि अल्फा कॉमा बीटा की y equal to minus x में इमेज क्या होती है माइनस बीटा माइनस अल्फा उल्टा हो जाएगा तो भी आंसर चेंज नहीं होगा सेम ही आंसर आएगा उस केस में. चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया कि दी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दी ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी कर्व दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वली इंक्लाइन टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब समझो पहले क्वेश्चन को, ये कोई भी कर्व गिवन है
और ये लाइन इसको लेट कट करती है। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आप क्या करोगे, ओरिजिन से जॉइन करोगे, तो जो दो लाइन बनती है OA एंड OB, ये बोथ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक बात बताओ, टू लाइन अगर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, इसका मीनिंग क्या होगा कि एक का स्लोप एम है तो दूसरे का स्लोप माइनस एम होगा। हाँ या ना? दो लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो एक का स्लोप अगर 45 है, दूसरे का माइनस 45 हो सकते, 135 हो सकते। इसका मीनिंग एक का स्लोप अगर एम है तो दूसरे का स्लोप माइनस एम होगा। तो सम ऑफ स्लोप जीरो आ गया, मतलब एम वन प्लस एम टू जीरो आ गया। एम वन एम टू मतलब माइनस के टू अपॉन बी जीरो, तो से एच आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई का जो कोफिशियंट है वो आपको जीरो करना है। किसका एक्स वाई का कोफिशियंट? OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन है। और बेटा OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या है? होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलो? OA और OB बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या होंगी बताओ? होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ नहीं करना आपको, कर्व और लाइन की हेल्प से इसका करना होमोजेनाइजेशन। और ये आपको पता होना चाहिए होमोजेनाइजेशन का मतलब OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन वो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी। इस लाइन की हेल्प से इस कर्व का क्या करना? होमोजेनाइजेशन, मतलब इस कर्व को कंप्लीटली सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना। देखो क्या करेंगे, इसे क्या करते हैं, लाइन से आप कांस्टेंट मतलब 1 की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर दो। इसको लिख सकते हैं 5x2। इसकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, इसकी डिग्री भी ऑलरेडी 2 है, इसकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, प्लस 4x आ रहा था। एक काम करो, 1 लगा दो मल्टीप्लाई में और 1 की वैल्यू पुट कर दो, डिग्री इसकी ऑटोमेटिक 2 बन जाएगी। सिमिलरली -2y इसे भी वन लगा सकते हो और कांस्टेंट है तो वन के इस पर। ये पता होना चाहिए कि होमोजेनाइजेशन करने का मेथड है। वन 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 सबकी वैल्यू पुट करने के बाद कुछ नहीं करना, एक्स वाई के कोफिशिएंट को जीरो करना। देखो कर दे सीधा, इसमें तो पुट कर दोगे एक्स प्लस के वाई, इधर भी एक्स प्लस के वाई, और ये जाएगा एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर। तो देखो मैं सीधा एक्स वाई के कोफिशिएंट को करता हूं जीरो, कोफिशिएंट ऑफ xy जीरो। इधर से xy का कोफिशिएंट पहला है, इधर से देखो xy का प्लस के 4 के आ रहे, इधर से xy का तो माइनस के 2 आ गया। इसको से कर दो मैं यहां, और प्लस 3 इनटू इधर से क्या है xy का 2ab, तो 2kxy, तो 6k आ जाएगा आपका। क्या जाएगा बोलो? 6k। गड़बड़ी तो नहीं इसमें, ठीक होगा, चलो जो भी। तो ये आ गया 6k = 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेना k की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो इससे k की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो सही सॉल्व करने पे इसका आंसर चलो बनाता देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला था, द लोकस ऑफ द पॉइंट such that two tangents drawn from it to the parabola y is equal to 4x, x such that the slope of one interval of the other. Question का meaning क्या है? ये parabola given है y is equal to 4x. इस parabola पर एक point है P जिसका locus बताना है h को मार्किंग। उससे आपने इसके दो tangent draw की। और ये दोनों टेंजेंट है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो बताओ h और k, मतलब इस पॉइंट p का लोकस बताना, मतलब h और k में आपको रिलेशन करना फाइंड आउट। क्या करना चाहिए? देखो इसको भी करने के काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब h की रिलेशन लाना है और m को एलिमिनेट करना, तो एक काम करें अपन, अपन एक नॉर्मल टेंजेंट की क्वेश्चन लेट करो y = mx + c, या फिर ऐसे मान लो ये अगर स्लोप m1 है तो 2m1, क्योंकि m मैंने ये मान लिया, तो लेट इन टेंजेंट का स्लोप m है तो y = mx + c, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c = ay, तो क्या है a / m। और ये जो टेंजेंट है ये h k से पास हो तो पुट कर सकते हैं, तो k = ये बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया m स्क्वायर h - km + a = 0। तो ये m में बनी क्वाड्रेटिक जिसके दो रूट होंगे m1 m2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि दो स्लोप्स हैं और एक स्लोप m1 है, दूसरा m1 है, दूसरा 2m1 है, तो सम ऑफ स्लोप और
predictive slope की help से आपको m वन का करना है, elevation को h और k में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो sum करने पे तो क्या जाएगा, 3 m1 equal to minus k upon h और predictive root क्या जाएगा 2 m1 square equal to on a last a upon h। कुछ नहीं करना है, m1 की वैल्यू उसमें पुट कर दो, m1 की वैल्यू जब आप उसमें पुट कर दो देखो क्या आएगा, पुट कर देते हैं 2 k square upon h square और 3 है तो 9 आ गया, इस पर इक्वल टू क्या है ay h, तो h से h चला गया तो क्या आ गया 2 e square equal to 9 a h, k को y मानना है, h को x मानना है, क्या आ गया 2y square equal to 9 ax, तो y square equal to जाएगा 9 ax upon 2, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलें अब बेटा इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या बोला गया, देखो वन बाय वन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पार्ट इज दिस पार्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिस पार्ट दिया है, तो बताओ सम ऑफ अल्फा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो सिंपल है, देखो ये भी आपकी वन ओनली इक्वेशन की मैंने, क्योंकि इसमें डी ओ बाई डी से तो वही आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बट इधर y की पावर 6 एक्स्ट्रा टर्म, क्या करो इसको y की पावर 6 से कर दो डिवाइड, तो क्या जाएगा 1 अपॉन y की पावर 6 डिवाइड dx प्लस दिस इज 1 अपॉन y की पावर 5 1 x इक्वल टू आगे x स्क्वायर। तो देखो dy dx है तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, बट इधर ओनली y आना चाहिए और इधर ये रिमूव होना चाहिए, क्या करोगे इसको अपन टीलेट करते हैं, मतलब y की पावर माइनस फाइव को टीलेट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस फाइव अपॉन वाई की पावर सिक्स डीवाई डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स। तो कुछ नहीं करना आप वन अपॉन वाई डीवाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो पुट कर दो क्या जाए, वन अपॉन वाई की पावर सिक्स डीवाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस की वन अपॉन फाइव, देखो बेटा माइनस के 1.5 dt by dx, इधर इसको t लेना है दिस इज प्लस tx इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। अभी dt by dx से तो कोफिशिएंट वन होना चाहिए तो माइनस 1.5 से डिवाइड कर दो उसको, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया dt by dx माइनस के 5/xt इक्वल टू माइनस के 5, ये आपकी बन चुकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करें, पहले लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, टी का कोफिशिएंट क्या है ये, तो जाएगा माइनस के फाइव अपॉन एक्स डी एक्स, तो ई की पावर माइनस फाइव तो बाहर आ गया और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये बेस ई है, अगेन प्रॉपर्टी से लगाओगे तो लॉग ई बेस ई वन, तो आगे x की पावर माइनस फाइव मतलब 1 अपॉन x की पावर 5, मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या 1 अपॉन x की पावर 5, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो देन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या लिखोगे, सॉल्यूशन if into y, इसमें y की वैल्यू कौन आएगा, t इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x into i of dx, यस सर, तो चलो पुट कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या 1 अपॉन x की पावर 5 और t का चला गया वंस अगेन 1 अपॉन y की पावर 5 equal to integration qx minus 5x square upon if, तो क्या जाएगा minus k 5 upon x cube, क्या होगा minus k 5 upon x cube, देखना कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इसमें, तो ठीक है तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा minus 5 तो बाहर ले लो, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो 1 upon 2x square, क्योंकि 1 upon x square का differential क्या होता है minus k 2 upon x square, तो minus से minus कट जाएगा और क्या, देखने कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सही है और क्या। ठीक है, तो ये आ गया 1 upon x y की power 5 equal to 5 upon 2x square plus ये जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, ये दोनों अल्फा बोले गए मतलब x y की पावर 5 अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा, देखो ये तो दोनों अल्फा है
और ये दोनों बीटा हैं, तो अल्फा तो आ गया 5 और बीटा आ गया 2, तो उनका सम कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसका 7 आंसर आपको फिल करना। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए 4 विद द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस पार्ट बाय 0 एक्स एंड एक्स इक्वल टू इज लीस्ट, मतलब इन सबसे जो बाउंडेड बाय एरिया उसको लीस्ट करना अपन। देखो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला गया तो इसकी हेल्प से क्या होगा, अपन को एरिया कौन सा लेना है, y0 मतलब x एक्सिस, ये लेट x इक्वल टू a है क्योंकि a पॉजिटिव बोला गया, ये लेट x इक्वल टू आपका 2a। अब देखो सिंपल सी बात है, जो बाउंडेड बाय एरिया वो इस रीजन में होगा अप या डाउन, मतलब इस रीजन में x पॉजिटिव है ना, देखो x अगर पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब डायग्राम ऊपर ही बनने वाला है। एक रफली डायग्राम बनाना तो आप ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, और एग्जैक्ट डायग्राम की बात करो देखो x को 0 लेने पे 0 1 / 0 इनफिनिटी आ गया, तो 0 पे क्या होगा इनफिनिटी की तरफ आगे, और इनफिनिटी लेने पे इनफिनिटी है ऑन समथिंग इज इनफिनिटी, मतलब इसका जो डायग्राम बनाओगे तो वैसे बनने वाला है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है, तो क्या होगा जी a से 2a, क्या लिखना है रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन a से 2a y dx और y की वैल्यू क्या लोगे x / 6 + 1 / x स्क्वायर dx, तो देन जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर / 12 y 2 ऐड हो जाएगा और 1 / x स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1 / 2x, क्योंकि 1 / x का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखना इसका सही लिखा है हमें माइनस 2 + 1 / माइनस 2 + सॉरी ये आएगा माइनस के 1 / x, क्योंकि 1 / x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस के 1 / x का तो प्लस के 1 / x, ये आने के बाद अपन लिमिट पुट कर देते हैं कितनी है a से 2a, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो तो 2a का स्क्वायर / 12 a स्क्वायर / 4 सॉरी 3 अपॉन में 4 है तो ऊपर 4 है तो 12 / 4 / 12 3 4, ये लोगे तो आ गया x को पुट करना है एक सेकंड सॉरी ये आ गया इक्वल टू 2a पे तो आ गया a स्क्वायर / 3 माइनस 1 / 2 और माइनस a स्क्वायर / 12 प्लस के 1 / a, तो फाइनली ये जाएगा फर्स्ट और थर्ड में 12 को मान लोगे तो 4 तो ये आ गया a स्क्वायर / 12 माइनस सॉरी 12 को मान लोगे तो क्या आ गया 4 माइनस 1 3a स्क्वायर / 12 तो a स्क्वायर / 4 और प्लस के 1 / a तो 1 / a कॉमन तो 1 माइनस आप एक प्लस के 1 / a, ये आपका एरिया है, ये एरिया आ गया तो इसको मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है तो क्या करें इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू दी a, तो इसका जब आप a के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो da / d स्मॉल a क्या जाएगा a स्क्वायर का 2 है तो a / 2 और 1 / a का माइनस के 1 / a स्क्वायर माइनस के 1 / 2a स्क्वायर, तो बेटा जब 2a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया a क्यूब माइनस 1 और जो a क्यूब माइनस 1 है ये ओनली 1 पे आपका 0 है, ये किसका डायग्राम बना है da / da da मतलब इसके डिफरेंशिएशन की नंबर लाइन है, तो प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस में जाने का मीनिंग क्या है इस पे लोकल मिनिमम होगा मतलब इसका एरिया मिनिमम होगा, a की वैल्यू जो 1 होगी तो उस केस में ये जो बाउंडेड बाय एरिया है आपका लीस्ट होगा, तो इसमें क्या पूछा बच्चे कि देन दी लीस्ट वैल्यू ऑफ a, तो इसका आंसर फिल करना है a = 1। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन थर्ड क्या बोला गया, fx गिवन है आपको 0 से gx दिस पार्ट एंड gx गिवन दिस पार्ट और f डैश पाई बाय 2 आपको माइनस के 3 / लैम्डा गिवन है, तो देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, देखो अपन को f डैश चेंज दे काम करो उसका कर दो डिफरेंशिएशन न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूले से, f डैश x आ गया अपर लिमिट पर तो 1 / अंडर रूट 1 + g³x और gx का जाएगा g डैश x, ठीक है, और लोअर लिमिट तो 0 तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये आने के बाद f डैश π/2 चाहिए तो उसका कर दो f डैश π/2 की वैल्यू क्या आएगी x को करो π/2 तो क्या जाएगा 1 / अंडर रूट 1 + g π/2, एक काम करो ना इससे जब x को π/2 पुट करोगे तो g π/2 की वैल्यू 0 है ना,
ये जीरो और पाई बाई टू ये भी जीरो, तो जीरो तो जीरो आ गया पाई बाई टू पे, और ये जाएगा जी डेस पाई बाई टू। सिंपल सी बात ही है, ये वन हटाओ तो सिंपल जी डेस पाई बाई टू आ गया, और जी डेस पाई बाई टू आ गया, और एफ डेस पाई बाई टू आपको मिला माइनस की थ्री अपॉन लैम्डा, तो जी डेस पाई बाई टू आ गया माइनस की थ्री अपॉन लैम्डा, मतलब जी डेस एक्स चाहिए। तो इसका कर दो एक बार वन सेकंड डिफरेंशिएशन, तो जी एक्स का क्या हुआ जी डेस एक्स, फिर क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करो, तो 1 प्लस साइन कोस स्क्वायर एक्स, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स। अब इसमें जब पाई बाई टू पुट क्या आएगा जी डेस पाई बाई टू इक्वल टू, देखो कोस पाई बाई टू जीरो, तो जीरो बन गया तो वन आ गया, और साइन पाई बाई टू वन तो माइनस वन आ गया, तो देन जी डेस पाई बाई टू आपका आ गया इक्वल टू माइनस के वन, माइनस से माइनस चला गया तो लैम्डा की वैल्यू थ्री फिलहाल को करनी है। चलो इसका थ्री आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, दो बार न्यूटन से रेवली फॉर्मूला यूज करना अलग अलग, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन फोर क्या बोला गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस मोड x एंड i1 और i2 गिवन है, तो i1 अपॉन i2 का रेशियो चाहिए अपन को, तो देखो क्या करना है, ये ध्यान रखिए फिक्स है, जब भी टू इंटीग्रेशन का रेशियो पूछे ना इसका मतलब उनको इंटीग्रेट मत करना कभी भी, एक इंटीग्रेशन को दूसरे में आप कन्वर्ट करोगे तो सीधा i1 i2 का रेशियो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में बहुत बार आ चुके जेईई मेंस से। तो देखो जो i1 है इसको लिखते हैं i1 इक्वल टू गिवन है 0 से पाई, देखो i2 में लिमिट 0 से पाई बाय 2, इसका मतलब i1 की लिमिट को भी 0 से पाई बाय 2 लाना पड़ेगा, जब ही तो i2 मिला सकते हैं ना, और ये आ गया f ऑफ cos x। तो आप इसमें अप्लाई करो प्रॉपर्टी 4, क्या होती है प्रॉपर्टी 4, x रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस x, तो क्या जाएगा i1 इक्वल टू 0 से पाई f ऑफ माइनस के cos x आ गया। यस सर, और आप एक बात देखो ढंग से, ये fx फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, क्या बोलो fx इवन फंक्शन है, क्योंकि x को माइनस x लेने पे नो चेंज, तो क्या जाएगा f ऑफ cos x आ गया f ऑफ माइनस के cos x, तो देन ये भी क्या आ गया cos x आ गया, तो मैं लिख सकता हूं i1 इक्वल टू वंस अगेन 0 से पाई f ऑफ cos x। तो एक बात सुनो, ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी 4 से बेटर है प्रॉपर्टी 6 लिख, बोलो उसमें बात तो हुई ना, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 क्या पड़ी है 0 से 2a fx dx है, और 0 से 2a में f ऑफ dx गिवन है, तो अगर fx f ऑफ 2a माइनस x के इक्विवेलेंट है, 2a माइनस x का मतलब यही है लोअर लिमिट 0 है, तो 0 प्लस x माइनस x होना चाहिए, a प्लस b माइनस x p4 p6 सेम हो जाती है अगर लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो क्या कर सकते हैं आप अपर लिमिट को आप कर सकते हो, तो इसको y2 कर दो और 2 आगे ले आओ, और दिस इज i1 सॉरी अभी नहीं बोलना, अब इसमें एक बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो क्या आ गया i1 इक्वल टू 2 0 से पाई बाय 2, और अब आप इसमें दोबारा प्रॉपर्टी 4 x रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस a, तो cos पाई बाय 2 माइनस x इज sin x, तो आ जाएगा f ऑफ sin x। तो इसमें प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 6 को यूज करना है, तो ये अगर i2 है तो i1 अपॉन i2 का रेशियो किया जाएगा, इसका टू आंसर आपको फिल करना है। चलें और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस पार्ट ए, लाइक कर्व गिवन है तो बताओ उसकी डिग्री क्या हो सकती है। देखो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो उसमें ए की आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर तो वन होगा, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट वो उसका क्या होगा कर्व का ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर तो वन है, और डिग्री के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा a को एलिवेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से करना बेसिकली इसको डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इसमें एक काम करो x को पुट कर दो sin थीटा और y को पुट कर दो sin फाई, तो x को sin थीटा पुट कर दो 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया cos थीटा और ये रहेगा cos y, और इधर जाएगा a कॉमन sin थीटा माइनस sin y, लिख सकते हैं ना, तो ये तो बन गया cd फॉर्मूला, तो 2 cos c plus dy और वंस अगेन cos c minus dy, सिमिलरली इधर भी बात करते हैं अगर तो ये तो कांस्टेंट sin c minus sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus dy to sin c minus dy, तो 2 cos c plus dy और sin of c minus dy,
ये आने के वाला आप देखो, ये वाला पार्ट सेकंड से 2 से 2 चला गया, देन इसको नीचे लेके आओ तो दोनों का थीटा सेम है ना, तो sin सॉरी cos थीटा - थीटा / 2 और sin थीटा - 5 / 2 दिस इज cot थीटा - 5 / 2 phi / 2 = a आ गया, और उधर भेज दो क्योंकि तो मेरे को तो केवल थीटा phi से रिलेशन चाहिए, तो क्या जाएगा cot इनवर्स a और 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया थीटा - 5 = 2 cot इनवर्स। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना बाद में आरबीटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए, तो थीटा माइनस फाइव 2 कोट इनवर्स से आ गया और 2 कोट इनवर्स ए आपका एक कांस्टेंट है, तो काम करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप थीटा फाइव की वैल्यू करो, थीटा तो आ गया साइन इनवर्स एक्स और फाइव आ गया साइन इनवर्स वाई, तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1 साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट इसका 0 आ गया, तो से डी ओ डी की वैल्यू क्या जाएगी, ये उधर भेजो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो से डी ओ डी से जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर भी बने उसकी डिग्री भी बने, हाँ है ना, तो इसका आंसर 1 फिल करना आपको, ठीक है। चलो चलो बेटा थैंक यू, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके बाद अपन अगले वीडियो में बात करेंगे इसके जेईई एडवांस के पेपर की, चलो बेटा थैंक यू।